हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब में, जहां पे हमें परफेक्ट कंपटीशन मैथ पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद में सेंटर में अगर आप देखोगे तो यहां पे सब्सक्रिप्शन का बटन है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा मैथ स्पेशल क्लासेस को, तो सब्सक्राइब में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा टाइम टू टाइम। अब उसके बाद में ऊपर देखिए, यहां पे मैथ स्पेशल क्लासेस है ऊपर की साइड में सर्कल में, उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ होम पे है। होम पे सारी वीडियोज़ आप देख सकते हो। यहाँ किरण प्रकाशन 8700 प्लस से हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया है। और आपसे, आप हमेशा जब भी कभी प्ले करो तो फिर प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाने के बाद में यहाँ आप देख सकते हो, और यहाँ पे एक एरो है, ये एरो है, यहाँ से भी आप क्लिक करके एसएससी मैथ्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी सीख सकते हो, प्लस माइनस एडिशन वो सारी चीज़ें। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे तो किरण पब्लिकेशन के हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट हमारा स्टार्ट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जब भी प्ले करें वीडियो तो फिर प्ले लिस्ट में से ही प्ले करें। ओके, फिर हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं डिस्काउंट बाय किरण प्रकाशन बुक से 8700 प्लस बुक है। ओके फ्रेंड्स, टाइप टू की ओर चलते हैं। टाइप वन तक हमने 76 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जितने बुक में दिए गए हैं। अब हम चलते हैं टाइप सेकंड की ओर, और 1 to 15 क्वेश्चन हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर वन है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से उसे रीड कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलो तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। 10 और 30% के क्रमिक भट्टों के समतुल एक अकेला भट्टा बताइए। तो फ्रेंड्स, इस केस में मैंने आपको बताया था, जब भी कभी दो भट्टे होते हैं तो 10% और कितना है, 10% और 30% है। तो हमें क्या है, इनके समतुल भट्टा निकालना है। समतुल मतलब इनके बराबर, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। ऐड ऐसे नहीं करते, 30 और 10 40 मत कर देना, ठीक है। मैंने आप लोगों को बेसिक वीडियो में बताया हुआ है, 30 और 10 कितना होगा, 40। 40 में से माइनस क्या कर दें, 3 एकम 3, तो 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा समतुल बट्टा, 3 माइनस करने पे 37%, मतलब 37-37% एक अकेला समतुल बट्टा हो जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। अच्छा सर, और कैसे कर सकते हैं? और फ्रेंड्स ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, 10 में से एक कम कर दीजिए, डिस्काउंट है हमेशा कम होगा 9 होगा। 30% की 3/10, 10 में से 3 गई तो बचे कितने, 7। अब हम मल्टीप्लाई कर लें, ये कितना हो जाएगा, 100 7 9 63 63। अच्छा, तो अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कि सर ये तो 37 ही बच रहा है, कितने में, 100 में, परसेंटेज के लिए 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 37%। अच्छा सर, और कैसे कर सकते हैं? और ऐसे कर सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले क्या, 10 से प्लस कर लेंगे कितना, 30, 10 प्लस 30 माइनस 10 इंटू 30 बट्टे में 100। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 और 30 कितना हो गया, 40, 3 एकम 3 माइनस का है तो माइनस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 37%, ये हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कर लीजिए, अगर तीनों मेथड बेस्ट हैं, तीनों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए। ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू की, और क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, चलो।
तो क्वेश्चन नंबर टू है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर टू है, 1,00,000 रुपए की एक बिल पर मिलने वाली 40% कटौती तथा ने इसे अलग कर दिया, 36 तथा 4, यहाँ पे दो एक साथ दी गई हैं, मतलब एक 40% की एक कटौती अलग है और दो जो है 36% और 36 के साथ में ही है, कितना 4%, ये दोनों एक साथ हैं, देखने में दोनों 40-40 होती है, मतलब 36 और 40 और ये 40, ठीक है। आगे देखते हैं तो उनके बीच में अंतर कितने का है। सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ेंगे कैसे सर, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि हम 2% को कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे या तो फ्रैक्शन से जोड़ लें या फिर सीधे यहाँ पे जो मेथड किया था उससे कर लें, तो हम फ्रैक्शन से जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 36% मेरा कितना होता है, 36% 4×9=36, 4×25, ठीक है, ये हो गया 36%, और 4% कितना होगा, 4×4 और 4×25 बार। अब क्या करना है, हमें सिंपली इन्हें देखना है, 25 में से 9 घटा दीजिए, तो 25 से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस कीजिएगा ज़रा, तो 9 माइनस करने पर कितना हो जाएगा, 16, 9 माइनस कर दिया 16 हो गया, 25 में से 1 गया तो कितना बचा, 25 में से 1 जाएगा तो 24 बचेगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कितना परसेंट टोटली आ रहा है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, ठीक है। अब वहाँ हम 16 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 16×64, 3 ये कम से आ जाएगा 384, माइनस कर लेंगे हम, यहाँ पे देख लेंगे कि कितना परसेंट बन रहा है, तो 625 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा तो बचेगा कितना, 241/625, और इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100, इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100, तो यहाँ पे 100 करने पे 25 से 25 बार, क्योंकि 25 625 और 25×24 100, और 241 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 का, तो कितना हो जाएगा, 964 और डिवाइडेड बाई 25, ये हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आएगा 38.56, कितना आएगा, 38.56%, 38.56% कैलकुलेट करने पे आया, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे मेरा कितना बैठा, 38.56%, ठीक है फ्रेंड्स। ये दिखने में तो 36 और 4 40 हो रहा है, लेकिन रियलिटी में 40 नहीं, वो कितने का बट्टा दे रहा है, 38.56% का बट्टा दे रहा है। अब क्वेश्चन ने बोला है इनके बीच में अंतर हमें निकालना है, तो अंतर निकालना है तो माइनस कर लें, अब 40 में से माइनस करना है मुझे 38.56, तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या कर, सबसे पहले 38 से एक बड़ी डिजिट माइनस करें, मतलब 39, तो कितना बचेगा, 1 पॉइंट। अब 56 को 100 में से माइनस कीजिए, 100 में से माइनस करेंगे पहले 50, तो 50 बचा, अब 50 में से 6 और माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 44, मतलब 1.44% का जो है अंतर होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसने मुझे राशि दे दी गई और उसका अंतर पूछ ले गया, तो राशि का हमें अंतर निकाल लेंगे, कितना है, 1,00,000 रुपये, ठीक है, 1,00,000 रुपये का हम निकाल लेंगे, 1.44% हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, लेकिन इस पॉइंट को हटाएंगे तो दो जीरो और आ जाएंगे, तो 40 से 40 कट जाएंगे, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1440, ये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये जो है बट्टे हमें इस प्रकार से फ्रैक्शन से जोड़ सकते हो, या फिर और भी मेथड है, आप उस मेथड से भी ऐड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, और सेकंड ऑप्शन की सबसे पहले परसेंटेज कंप्लीट कीजिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट। ओके फ्रेंड्स, आप लोग सीरीज में चलिए जिससे कि सारे पॉइंट क्लियरली समझ में आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नोट कीजिए फ्रेंड्स फटाफट से। और प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो कंप्लीट देखना, जिससे कि ये होगा सारे पॉइंट क्लियरली आपकी समझ में आ जाएंगे। जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3
सिंपल है, 20 और 10% के क्रमिक भट्टों के समतुल एक अकेला भट्टा कितना होगा। तो जब भी कभी परफेक्ट में भट्टे दिए जाते हैं तो हम उन्हें कैसे जोड़ते हैं, 20% और 10% का भट्टा है तो ऐड करेंगे कैसे, 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 में से माइनस कर दूंगा, 2 एक कम 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 28% आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी की तरह हम इसे भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फटाफट से नोट कीजिएगा। जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से उसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक भट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है, जिसमें एक 10% है और दूसरा अपठनीय है, मतलब है नहीं, दूसरा दिखाया नहीं गया, और दूसरे भट्टे की दर ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1000 रुपये की एक कोई वस्तु है, अब जो कि MP इतना है, लेकिन एक कोई व्यक्ति है उसे कितने में खरीद लेता है, 810 रुपये में। अच्छा, 810 रुपये में खरीद लेता है उस वो जो है 2 भट्टों पे खरीदता है, 2 भट्टों से खरीदने के बाद में इतने रुपये उसे पे करने होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें तो एक भट्टा अगर डिस्काउंट देगा, एक भट्टा 10% का हमें पता है, तो माइनस कर दूँ 10%, तो सबसे पहले 1000 का 10% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, सीधे सीधे 100 रुपये हो जाएंगे। 1000 का 10% कितना होगा 100, तो 100 माइनस कर दीजिए तो कितने देने पड़ेंगे उसे, 900 देने पड़ते, लेकिन वो दे तो 810 रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे एक और भट्टा मिला होगा। अच्छा, तो एक और भट्टा कितने का मिल गया होगा, जरा देखिए रुपए में अगर बात करूँ, एक भट्टा काटने के बाद में 900 की थी, लेकिन वो 810 पे कर रहा है, कहीं ना कहीं सेकेंड भट्टा होगा, और वो सेकेंड भट्टा कितने का होगा, 90 रुपये का होगा, और कितने पर होगा, 900 रुपये पर होगा, इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए 100। तो यहाँ से हम देखें तो कैलकुलेट करने पर 2 0 से 2 0 9 2 90 हो जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 10% का एक सिंगल भट्टा हो जाएगा। यह हमारा एक्यूरेट आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें एक भट्टा दिया गया होगा और दूसरा आपसे पूछेगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज। जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड्स। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 15% और 10% के क्रमिक भट्टों के समतुल एक अकेला भट्टा निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब 10% 15 और 10% को हमें जोड़ना है, लेकिन हम यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे, 15% है और सेकंड है मेरा 10%, ये 2 भट्टे मुझे दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये 2 भट्टे दिए गए हैं 10 और 15, तो हम इसे डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। जो हमने पहले मेथड यूज़ किया था वो ओनली परफेक्ट के लिए, मतलब 10, 20, 20, 30 बेसिक वीडियो में आपको बताया था, लेकिन हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। 15% कितना होगा मेरा, 3/20 होगा। अगर मैं इसकी भिन्न निकालूँ तो कितना होगा, 1/10 होगा। ओके फ्रेंड्स, 1/10 होगा फाइनली। अब उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, सिंपल देख सकते हो कि 30, 20 में से 3 माइनस कर दूँ, और सेकंड केस में 10 में से 1, तो 20 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और इसी तरीके से 10 में से माइनस कर दोगे तुम 1 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 × 9 = 200 हो जाएगा, 17 × 153 मतलब 153। अच्छा, तो डिस्काउंट कितने का दे दिया, ज़रा देखिएगा, तो डिस्काउंट हम निकाल सकते हैं कितने का मिल जाएगा यहाँ पर,
माइनस करेंगे 53 तो कितना 47, माइनस करने पर 47 आ जाएगा और कितने पर 200 पर। प्रतिशत के लिए इंटू 100 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 20 से 20 और 2 से काटेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 पॉइंट लगा दें, 2 5 10, तो मतलब कितना हो जाएगा 23.5% हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, यहाँ पर ये नीचे कट रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जो लिखा हुआ मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, 47/200 × 100 है। ओके फ्रेंड्स, 20 से 20 और 2 से डिवाइड किया तो इतना आ गया, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। किसी वस्तु का अंकित मूल 500 रुपये है जो कि MP है, MP कितना है 500 रुपये है, ठीक है। अब उसके बाद में वह बोलता 20% और 10% के 2 क्रमिक छूटे हैं, तो यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, 20% ये अपने आप में 100% है, तो 20% डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में, 80/100 में। एक सेकंड परसेंट का भी डिस्काउंट है मतलब 10%, तो बेचेगा कितने में, 90/100 में। अब क्या करें, 20 से 20 काट लीजिए, 20 से 1 और 2 कट गई, कितना हो जाएगा 8 9 8 9 72 और इनटू कितना है मेरा 5, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी 5 7 जा 35, मतलब 5 7 35 और 1 36, तो कितने में वस्तु बेचेगी, 360 रुपये में वो वस्तु बेच जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो जब भी कभी इस प्रकार से एमपी दे रखा होता है और 2 बट्टे हैं तो हम सिंपली 100 में से माइनस करके उन परसेंट को यूज़ करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड्स। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, किसी वस्तु को बेचने के लिए उसका अंकित मूल्य 240 रुपये रखा गया, जो अंकित मूल्य है वो कितना रखा गया है, 240 रुपये रखा गया है, ठीक है। अब उसके बाद में 10% और 5% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, मतलब 2% बट्टे दिए जा रहे हैं, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो ये सेम क्वेश्चन है, तो 100 में से माइनस कर दें 10 तो कितना हो जाएगा 90/100, अगर मैं 5% माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा 95/100। फाइनली अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा, 20 से 20 काट दूं, ठीक है, 5 से 19 बार और 5 से 20 बार। अब क्या कर सकते हैं हम, सिंपली 2 से काट लेते हैं, 2 से 10 बार, 2 से 12 बार, 19 नंबर कितना हो जाएगा 171, 19 नंबर 171 ये और मल्टीप्लाई में कितना है 12 और बट्टे में कितना है 10 ये वाला। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 20/52, बट्टे में कितना है 10 और 10 से क्या हो जाएगा एक पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 205.2, ये हमारा क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज।
फटाफट से नोट कीजिए फ्रेंड्स। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर, मतलब उसने जो है किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 100 से कितना कर दिया, उसने 130 कर दिया, 30% बढ़ा दिया है, ठीक है। 10% और 10% दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब दो बट्टे दिए जा रहे हैं 10-10% के। अब उसके बाद में अंतिम रूप में उस मूल्य में होगा क्या, मतलब 10% बढ़ेगा या ऑप्शन में जो दिया वो हमें देखना पड़ेगा। तो फाइनली कितने परसेंट उसे लाभ होगा या कितना बढ़ जाएगा। अब 30% पर दो बट्टे में दूंगा, मतलब 130 के 2% बट्टे दूंगा 10-10 बार, तो 90/100, एक और बार 90/100, क्योंकि दो बार है 10-10, तो माइनस कर लेंगे। अब फाइनली कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या कर लें कैसे, दो जीरो से ये दो जीरो गए, एक जीरो से एक जीरो गया। अब बचा कितना यहाँ पे, 13 × 9 × 9, मतलब यहाँ पे बचा हुआ है 9 × 9 = 81, 13 × 81/10, 10 ये बचा हुआ है। अब 13 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और 13 का मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1053 कितना होगा, 1053 और डिवाइडेड बाई 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105.3%। अच्छा, 105.3 हो गया, तो मुझे फाइनली इस सौदे में हुआ क्या, तो ये हमें पता लगाना है। तो मतलब कितना हो गया, 5.3% बढ़ गई, रुपये में बढ़ गई। अब हमें इसे परसेंट में बताना है, इनटू 100 करेंगे तो 100 से 100, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 5.3% हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमें क्या करना होगा, और ये बढ़ जाता है, देखिए 100 से 105 हो रहा है तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया, सेकंड में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। तो आप लोग इस प्रकार से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से देखिएगा, किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपये है तथा वह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे देता है, 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना दिया हुआ है, 2000 रुपये दिया हुआ है। अच्छा, तो डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा, इंटू करेंगे फिर 10% बट्टा है तो 90/100 हो जाएगा, और फाइनली हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। क्या कर दूँ, 2 जीरो से 1 और 2 काट दूँ, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दे रहा हूँ, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 × 19 = 16 और 16 × 9 कर लेंगे, तो यहाँ पे हम देखें तो कितना हो जाएगा, या 8 × 9 = 72 × 144, 144 और 1 जीरो, तो मतलब फाइनली वो इन दोनों बट्टे के बाद में कितने की बचेगी, 1440 रुपये की बिच जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़।
ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से देखना। एक दुकान में प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट दी जाती है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट दी जाती है यदि मूल्य का भुगतान नगद राशि में किया जाए। मतलब नगद कोई अगर व्यक्ति पैसे देता है तो 12% अतिरिक्त छूट भी देती है। ठीक है, तदनुसार यदि किसी वस्तु का मूल्य 250 रुपये हो तो उसके लिए खरीदार कितना भुगतान करेगा। देखो फ्रेंड्स, 250 रुपये किसी वस्तु का मूल्य है। सबसे पहले MP जो दिया गया वो लिख लीजिए, कितना 250 रुपये दिया गया है। अब उसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है उसे 10% का तो नॉर्मल डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि हर वस्तु पर 10% डिस्काउंट है। तो बेचेगा कितने में, 90/100 में बेचेगा। अब क्वेश्चन ने एक पॉइंट और बोल दिया, अब वो जो नगद राशि दे रहा है तो नगद राशि के लिए 12% डिस्काउंट हो, तो 100 में से 12 माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स बचेगा कितना, 88/88 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हमें फाइनली क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एक काम कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते हैं। ठीक है, 25 से कितनी बार, 25 चौके 100 काट देते हैं। ठीक है, 4 से कितनी बार हो जाएगा, 4 से 4 दुनी 8 4 दुनी 8। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे 22 इंटू कर लेंगे 9, तो कितना हो जाएगा, 198 रुपये, मतलब 198 रुपये जो होगा हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मतलब दो डिस्काउंट देने के बाद में उसे इतने रुपये पे करने होंगे। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, किसी घड़ी का सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य दे रखा है 160 रुपये। एक ग्राहक इसको 2 क्रमिक कटौतियों मतलब डिस्काउंट पर 122.40 रुपये में खरीदता है। यदि पहला डिस्काउंट 10% है तो दूसरा कटौती कितने परसेंट का है। तो फ्रेंड्स, ये अभी हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर सेंड करना, आपके आंसर का हम वेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिएगा। एमपी जो है 160 रुपये है, अब उसके बाद में एक 10% का बट्टा हमें पता है और 122.40 रुपये में वो वस्तु खरीदी जाती है, मतलब बेची जाती है किसी और को, और कोई व्यक्ति उसे खरीद लेता है कितने में, 122.40 में। तो दूसरा बट्टा कितने प्रतिशत का, तो अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन इससे पहले भी किया था सॉल्व, इसी टाइप का 2 कॉपी। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिए क्वेश्चन और ध्यान से, आपका वेट करूंगा, क्वेश्चन का आंसर जरूर सेंड करना कमेंट बॉक्स में। ओके फ्रेंड्स, चलो जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। फटाफट से नोट कीजिए फ्रेंड्स। फटाफट से नोट कीजिए।
ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड, सेम क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। एक पेन का अंकित मूल 12 रुपये है, ध्यान से देखिएगा, एक पेन का अंकित मूल 12 रुपये है। जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया है उसी का 2 कॉपी है। एक 15% का बट्टा है और एक दूसरा बट्टा भी दिया गया है जिससे पेन का विक्रय मूल 8.16 हो जाता है। तो दूसरे बट्टे की दर क्या है, मतलब दूसरे बट्टे का परसेंट क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखिए कि मैं एक 12% वाली चीज़ को, 12 रुपये वाली चीज़ को 15% बट्टे पे बेचूंगा तो बेचूंगा कितने में। तो 12% इंटू कर दूँ कितना, 85 बट्टे 100। अब 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 से 17 बार 5 से 20 बार। ओके फ्रेंड्स, अब क्या कर सकते, 2 से काट लो, 2 छिंग 12 और 2 से 10 बार, और 17 छिंगे कितने हो जाएंगे, 17 छिंगे 102, मतलब 102 और नीचे 10 है तो एक पॉइंट लगा दे, तो मतलब इतने रुपए में उसी एक बट्टे के बाद में खरीदनी पड़ेगी, 10.2 के बाद में एक पेन खरीदने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है वो 2 बट्टे चाहिए उसे, तो एक बट्टे के बाद में इतने किए लेकिन 2 बट्टे के बाद में कितना मिल रहा है, 8.16 रुपये। तो हम देख लेते हैं कितना डिस्काउंट और मिल गया। तो हम अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.04, ये इतने का डिस्काउंट हो गया। लेकिन कितने पे, 10.2 इंटू करेंगे परसेंटेज के लिए 100। सबसे पहले क्या करें, इस पॉइंट को हटा दें, 10 बढ़ा दें। अब देखें तो 10 से 10 कट जाएगी, 102 जस्ट डबल हो रहा है ना, 102 का जस्ट डबल हो रहा है 204, तो 1 से 2 बार कट जाएगा, 2 ढाई कितना हो जाएगा, 20%। तो यहाँ पे 20% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरा बट्टा कितने का था, 20% का था। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज़। जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड्स। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं और हमें किस प्रकार से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिएगा, टाइप 2 है, किरण प्रकाशन बुक है। ओके फ्रेंड्स, एक व्यापारी 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली, मतलब एक एमपी है किसी वस्तु का कितना, 25,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद में बोलता है 20% और 5% 2 छूटों के बाद खरीदता है, तो कितना, 20% मतलब 80 बट्टे 100 और 5% मतलब 95 बट्टे 100। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए पहले तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दीजिए। अब कितना बचा मुझे, 25 अट्ठे 200 इंटू कर देंगे 95, 95 दुनी कितना हो जाएगा, 190, कितना हो जाएगा, 190, 95 दुनी 190 और 2 जीरो और हैं, तो मतलब 19,000 रुपये में उसे वो वस्तु पड़ जाएगी। अब उसके बाद बोलता है कि 1,000 रुपये में इसके मरम्मत पे लगा दूँ, तो 1,000 रुपये और उसने अपनी जेब से खर्च कर दी, तो 1,000 रुपये और ऐड कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 1,000 रुपये और ऐड करेंगे तो वो वस्तु उसे कितने की पड़ेगी, 20,000 रुपये की। अब वो उसे फाइनली 20,000 रुपये की वस्तु पड़ी, लेकिन अब वो 20,000 की खरीदने के बाद में उसे बेच कितने की रहा है, 25,000, कितने का फ़ायदा हो गया, 5,000 का फ़ायदा, लेकिन कितने पे हो रहा है, 20,000 पे है। ओके फ्रेंड्स, प्रतिशत के लिए इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 दाई 50 और 50 बट्टे 2 कितना हो जाएगा मेरा, 25% उसे प्रॉफिट हो गया। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज।
ओके फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 मुझे पता है आप लोगों का डाउट होगा या फिर लेंथी हो रहा होगा आप लोगों ने अगर सॉल्व किया होगा तो, लेकिन कोई टेंशन नहीं, आपके साथ में अंकित सर हमेशा हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है और बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। वो कैसे सर? कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया वो देख लेते हैं। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 बट्टे किस प्रकार से। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत आसान होने वाला है, आप बस देखते चलिए। 25% और कॉमा लगा देता हूँ तथा की जगह, और 15%। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड ऑप्शन हमें दिया है कितना, 30% तथा 10%, 30% तथा 10%। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या दिया, 3/35 और 5%, 35% और 5%। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है इनमें से ग्राहक के लिए, जो ग्राहक के लिए बेस्ट होगा वो हमें बट्टा बताना है कि इनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये देखिए क्या सबका सम जो है सबके इक्वल हैं। 25 और 15 कितना होता है, 40 है ये भी, और ये भी देखें तो 40% है, और ये भी देखें तो 40% है। वैसे हम इन्हें कैलकुलेट करते हैं फुल डिटेल में, जैसे परसेंटेज को भिन्न के थ्रू जोड़ते हैं उसी के थ्रू, लेकिन ऐसे करेंगे तो एग्जाम में टाइम लगेगा ना, तो इसलिए हम आपको एक सिंपल सा मेथड बता दें। जब भी कभी तीनों का, वैसे मोस्टली केसेस में जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो तीनों का सम 40% दिखने में होता है, दिखने में 40% होता है। और ग्राहक के लिए मुझे इतना पता है, ग्राहक तो यही चाहेगा कि सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले। अगर मैं भी किसी मार्केट में जाऊँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट लेने की बोलूँगा, सीधी सी बात है, वो ग्राहक के लिए अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी कभी इन तीनों का सम अगर 40 हो तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा परसेंट वाला वो आंसर हो जाएगा। मतलब आपको पहला डिस्काउंट ही देखना है, बाकी ये पीछे क्या लिखा हुआ उसे नहीं देखना। फर्स्ट डिस्काउंट जिसका बड़ा है, पहला डिस्काउंट जिसका बड़ा है, तो वो ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो मतलब 35% वाला, 35% 5% वाला ग्राहक के लिए अच्छा होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ये हमारा, ये ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा जो कि ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एक बार दोबारा देखिएगा, ऑप्शन में आपको इस तरीके से पूछेगा प्रथम, द्वितीय या द्वितीय या तृतीय, तो इन तीनों में से कौन सा बट्टा दुकान ग्राहक के लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले इन तीनों के सम देखिए, फर्स्ट 25 और 15 40 30 और 10 40 और 35 और 5 40, टोटल 40 40 40। जब कभी इस तरीके से हो तो सबसे फर्स्ट वाले परसेंट को देखिए, जिसका सबसे पहला वाला परसेंटेज बड़ा होगा वो ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ग्राहक के लिए बता रहा हूँ, दुकानदार के लिए नहीं। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आगे से आप कैलकुलेट मत करना, दोनों परसेंटेज को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना 40 40 40 या 50 50 50, तीनों का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड हमें यूज़ करना है कि सबसे बड़ा होगा वो ग्राहक के लिए अच्छा होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है, मतलब जो एमपी हमें दिया गया है, वो कितना दिया गया है फ्रेंड्स, 900 रुपये दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद में बोलता है क्वेश्चन कि तथा इस पर 8% 8%, मतलब 8% कॉमा 8%, इन दोनों को बट्टे
कि दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब इतने दो बट्टे अलग अलग दे दिए जाते हैं, 8% 8%। अच्छा 8% 8% होता कितना है वो हम देख लेते हैं। तो हम इसे एडिशन करेंगे किसके थ्रू, या तो फ्रैक्शंस के थ्रू कर लीजिए या फिर सिंपल कर लीजिए, 8 + 8, ठीक है, और -8 × 8/100। फाइनली हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 × 8 और 4 से 25 बार, अब हम देखें तो कितना हो जाएगा, 8 × 16 और बट्टे में कितना हो गया 25। 25 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा लें, 0 पॉइंट, यहाँ कितना हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा लें तो 25 × 150, 150 के बाद 25 कितने 100, 10 और एक जीरो और लगा लीजिए तो 10 में एक जीरो और 25 × 100, मतलब 0.64। अब यहाँ पे ये कैलकुलेट करने पे 8 × 16 फाइनली माइनस के इधर वाला पोर्शन कितना हो गया, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 में से माइनस करना है कितना 0.64, तो कितना आ जाएगा ये 15.36%, कितना हो जाएगा 15.36% का बट्टा दे रहा है, मतलब डिस्काउंट दे रहा है वो। रियलिटी में हमें लगता तो है कि 16% का बट्टा दे रहा है, लेकिन क्या वो 16 है, नहीं। तो फ्रेंड्स जब भी कभी मार्केट जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि 8 और 8 16, लेकिन वो रियलिटी में कम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला यदि दो क्रमवार बट्टों के स्थान पर मैं अकेला 16% का बट्टा देता, इतनी का तो दे दिया, अब वो बोल रहा है कि 16% का अकेला बट्टा दूँ, अकेला 16% का बट्टा दूँ तो मुझे लाभ होगा या हानि होगी। भाई अभी तो इतने में बेच रहा, फिर इतने में बेचता 8 और 8 16 में, मतलब ये एक सिंगल बुक क्वेश्चन में दिया हुआ 16, तो क्या होता, हानि तो होती इसकी जेब से, और कितना जाता एक्स्ट्रा, कितना और एक्स्ट्रा देना पड़ता इसे, 0.64% एक्स्ट्रा देना पड़ता। अभी तो कस्टमर जो है इतना लेके जा रहे हैं, दो अलग अलग 8 और 8 16 दिखाई दे रहे हैं उसे, तो इतना लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर सिंगल 16 देगा तो इतना जो है 0.64% एक्स्ट्रा लेकर जाएगा वो, तो मुझे दुकानदार वाले को तो हानि होगी ना, तो हानि कितने की होगी, 0.64% की हानि हो जाएगी। अच्छा अब ये हानि होगी, लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है वो रुपये में दिया गया है कि रुपये में बताइए कितने परसेंट या कितने रुपये की हानि होगी। तो 900 रुपये को अब मैं क्या कर लूँ, रुपये में चेंज कर लेता हूँ, 900 × 0.64/100% हटाते हैं, तो एक पॉइंट हटाएंगे तो दो जीरो और लगाते हैं, तो दो जीरो से दो जीरो कट गई, अब ये कितना हो जाएगा, 9 × 36 = 6, 3 = 3, 9 × 54 = 54 और 3 = 57, मतलब 57 6, और बट्टे में कितना हो गया 100, बट्टे में 100 है, 100 से क्या हो जाएगा, एक डिजिट दो डिजिट, तो कितना हो जाएगा 5.76 रुपये का क्या होगा उसे, हानि होगी। ओके फ्रेंड्स ये आप लोगों का फाइनली आंसर हो गया, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है, कुछ नहीं है, उसने दो अलग अलग बट्टे दे रखे, एक सिंगल बट्टा दे रखा, और उस केस में उसे क्या हो जाएगा और ये देखना है, तो उसे जो है हानि हो जाएगी, और वो कितनी की होगी, 5.76 रुपये की हानि हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स फटाफट से नोट कीजिएगा, ओके फ्रेंड्स फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। ओके फ्रेंड्स और प्लीज़ अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ओके बाय।